हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद स्वराज। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। एक पतीले में 1 लीटर दूध लीजिए। गैस को मीडियम आंच पर रख के अच्छे से हिलाते रहिए। हिलाने से क्या होता है, जो मलाई जमती है ना दूध पे, वो नहीं जमती। और हमने यहाँ पे गाय का दूध लिया है। गाय के दूध में क्या होता है, जो छेना होता है ना वो सॉफ्ट निकलता है और उसका फैट होता है ना वो ज़्यादा से कम होता है। भैंस आप चाहिए तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है पर उसका जो छेना होता है ना वो इतना सॉफ्ट नहीं निकलता। अब दूध को अच्छे से स्टर कर लीजिए और उबाल लीजिए। जब उबाल आ जाएगा तो आप गैस को बंद कर लीजिए। हमारे दूध में उबाल आ चुका है, आप गैस बंद कर दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने से क्या होता है, दूध में मलाई जमती है ना वो नहीं जमती। एक बाउल लीजिए, उस पर एक छन्नी रखिए और उस छन्नी पे एक कपड़ा डालिए। 2 चम्मच विनेगर में 2 चम्मच पानी डालकर उसको माइल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच नींबू के जूस में आप 2 चम्मच पानी डालकर उसको माइल्ड कर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूध में उंगली डालकर देखिए, दूध उंगली को सहन होना चाहिए, इतना ही दूध गर्म चाहिए। अब इस दूध में थोड़ा थोड़ा कर सिरका मिला लीजिए। अब इस दूध को धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए। अगर आपने सारा सिरका एक ही बार में डाल दिया और तो आपका दूध का जो छेना निकलेगा ना वो एकदम सख्त बनेगा, तो आपके रसगुल्ले टूटने लगेंगे। अब हम इसमें और सिरका डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा दूध धीरे धीरे फटने लगा है। हम इसमें 1 चम्मच से सिरका और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा दूध अच्छे से फट चुका है। अब हमारा निकला हुआ छेना हम छन्नी में से छान लेंगे। अब हम छेने में से सारा पानी निकाल लेंगे। अब हमारे छेने में से सारा पानी निकल गया है। हम इसमें 2 ग्लास ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से धो लेंगे। ठंडा पानी डालने से क्या होता है, जो छेने में हमने विनेगर डाला है ना उसका खट्टापन और उसका जो स्मेल होता है ना वो निकल जाता है। और हम पानी को अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसका सारा पानी निकालने के लिए हम इस पे कुछ भारी चीज रखेंगे। जब तक छेने का सारा पानी निकल जाता है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप शक्कर में हम 5 कप पानी डाल लेंगे।
अब हमारे छेने में से पूरा पानी निकल चुका है। हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे हथेली से अच्छे से इसको मसल के उसके सारे लम्स से नो ब्रेक कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो रसगुल्ले हैं ना उसको क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। अब हम हमारे हाथ में छेने का एक गोला लेकर उसका एक गोल बॉल बना लेंगे। अब हमारे सारे बॉल बनकर तैयार है। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक उसमें की सारी शक्कर घुल नहीं जाती। हमको उससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाना है। अब हमारी चाशनी अच्छे से घुल गई है। हम इसमें एक एक कर सारे बॉल्स डाल देंगे। अगर हमने सारे बॉल्स एक साथ ही डाल दिए तो बबल्स बन रहे हैं ना वो रुक जाएंगे। अगर वो बनने से रुक गए तो हमारे बॉल्स को क्रैक पड़ जाएंगे और अच्छे से नहीं बनेंगे। अब हम रसगुल्लों को हाई फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। और हम बीच बीच में हमारे रसगुल्लों को पलटते भी रहेंगे। अब हम कढ़ाई को एक ढक्कन लगा के अच्छे से उसको पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर बॉल्स को फिर से एक बार पलटेंगे। और 5 मिनट के लिए फिर ढक्कन लगा देंगे। अब हमारे रसगुल्ले बनकर रेडी है। हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब हमारे ठंडे ठंडे टेस्टी जूसी स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर रेडी है। If you like the video, then like, share and subscribe. And thanks for watching.